अब आप भी पा सकते हैं पद्म पुरस्कार। जी हाँ, भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए खास लोगों के साथ साथ आम लोगों को भी शामिल करने का फैसला किया है। अब आम इंसान को भी यह अधिकार मिलेगा कि वह पद्म पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया में भाग ले सके। हाल ही में पीएमओ, गृह और संस्कृति मंत्रालयों की बैठक के बाद इस नए अधिकार पर सहमति बनी। इन पुरस्कारों में पारदर्शिता लाने और लॉबिंग को रोकने की दिशा में सरकार ने यह कदम उठाया है। नामांकन ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है। फॉर्म भरने वाले व्यक्ति को प्रामाणिकता और जवाबदेही के लिए अपना आधार ब्यौरा देना होगा। केंद्र सरकार को अभी तक 1,700 से ज्यादा नामांकन मिल चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया की आखिरी तारीख है 15 सितंबर। सूत्रों के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया आम लोगों के लिए खोल दिए जाने से ऐसे लोगों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिनके योगदान की बहुत चर्चा नहीं होती है। आपको बता दें कि किसी केंद्र सरकार ने पहली बार यह कदम उठाया है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति की ओर से प्रदान किया जाता है। देश भर में कई ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। लेकिन सरकार का यह कदम अब उनके बेहतर कामों को पहचान दिला सकता है। देखते रहिए टीवी लाइव।